कि जो जाट बेल्ट है वहाँ पर कांग्रेस का बोलबाला है और जीटी रोड पर भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। जिसको सनातन धर्म चाहिए उसको बीजेपी चाहिए, लेकिन हमारी यही मजबूरी कि हम सनातनी हैं और हम बीजेपी को ही वोट देंगे चाहे जो हो जाए। मंदी है तो सबके लिए बराबर है, ना उसको कांग्रेस कम कर सकती है ना बीजेपी कम कर सकती है। बीजेपी ने तो हमारा पीण का पानी भी खोस लिया। सर चुनाव चल रहे हैं हरियाणा में, क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी? वोट के टाइम पर लोग आते हैं या वोट के बाद भी लोग आते हैं? उसके बाद में कोई बुझण नहीं आंदा भाई, यार कुण मर हर कुण जीव हर कोई नहीं आंदा। हरियाणा में सत्ता का संग्राम चल रहा है और सत्ता के संग्राम में इस वक्त न्यूज इंडिया की टीम पहुंच चुकी है रोहतक। रोहतक मतलब किसी जमाने में कांग्रेस का गढ़, फिर भारतीय जनता पार्टी का गढ़, और इस बार के सत्ता के संग्राम में अहम भूमिका निभाएगा रोहतक। रोहतक की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ कपड़ों का बड़ा व्यापार होता है। न्यूज़ इंडिया की टीम उसी कपड़ों की मार्केट में पहुँची है जिसे सॉरी मार्केट कहा जाता है। तो चलते हैं और यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे क्या कुछ है मिजाज हरियाणा का। बड़े पैमाने पर यहाँ पर कपड़ों का काम होता है और ऐसे में हम एक दुकान पर पहुँचे हैं, बात करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? ऋषि भाटिया। ऋषि जी, हमारा भी घर का नाम ऋषि ही है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, आपकी ये रोहतक की जो सीट है कभी कांग्रेस की हो जाती है कभी भाजपा की हो जाती है, इस बार हरियाणा के चुनाव का क्या मिजाज है? हरियाणा के चुनाव में बीजेपी। बीजेपी, ऐसा क्या है सर बीजेपी ने क्या किया आप लोगों के लिए? रोहतक में शहर में बड़े काम करवाए हैं बीजेपी ने। कांग्रेस कह रही हमने भी करवाए। क्या करवाया? कुछ भी नहीं करवाया। दस साल से तो बीजेपी ही है। 10 साल से उसके पहले कहना है हुड्डा का कि रोहतक को बनाने वाले चमकाने वाले हम ही थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बीजेपी ने बहुत काम करवाया है। सारे रोहतक को साफ सुथरा बनवाया है, एक सारा फाटक मुक्त करवाया है, सारे एलिवेट ये रोड बनवाए हैं, कूड़े का तो नामो निशान भी नहीं है आज के दिन संडे को छोड़ के। रोहतक में काम हुआ है? बहुत काम हुआ रोहतक, बहुत काम। हरियाणा भी बोल रहा है बीजेपी है, बीजेपी 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 चाहिए। महंगाई से लोग परेशान हैं, कह रहे हैं कि व्यापार ठप पड़ गया महंगाई की वजह से। ऐसा कुछ भी नहीं है, व्यापार ठीक चल रहा है। जब मंदी में तो मंदी आती है, वो जब सीजन होता है फुल काम होता है बाजारों में, तो क्या महंगा, कोई चीज़ महंगी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ सस्ती है। देखिए और भी लोग हैं, बात करूँगा। क्या नाम है सर? मनीष। मनीष जी, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या चल रहा है सर इस बार हरियाणा के चुनाव में? हरियाणा के चुनाव में ऐसे बराबर ही चल रहा है, इलेक्शन बराबर चल रहा है। हाँ, थोड़ी कांग्रेस की हवा ज़्यादा है, पर वो अपने रोहतक सोनीपत इन एरियो में है जो जाट बेल्ट है। बाकी ये जीटी रोड है, वहाँ बीजेपी ज़्यादा साउंड है, बीजेपी ज़्यादा साउंड है। हाँ हाँ। क्या लग रहा है सर आपके हिसाब से सरकार किसकी बन जाएगी इस बार? सरकार, ये तो भाई सरकार बनेगी तो कुछ कह सकते हैं, ऐसे पहले कुछ आइडिया नहीं है। 10 साल भाई पहले कांग्रेस ने भी अच्छा राज किया है, हुड्डा ने रोहतक का विकास तो करवाया ही है, और अब बीजेपी आई है तो बीजेपी ने भी अच्छा विकास करवाया है। सारा शहर ये क्या कहते हैं फाटक मुक्त किया है इन्होंने, और भी एलिवेटेड रोड बने हैं। ये जाम की समस्या रहती थी, ये बार भिवंडी स्टैंड पर ये पुल बना है, इससे बहुत विकास हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मानते हैं कि हाँ हाँ सरकार ने काम किया। हाँ, और जो आप महंगाई कह रहे हो, ये चाहे बीजेपी की सरकार है चाहे कांग्रेस की आई, ना बीजेपी ने महंगाई कम कर सकते हैं ना वो कर सकते हैं। और मंदी है तो वो तो लोगों ने सामान खरीदना है। हाँ। इसमें कोई ये है थोड़ा कि मंत्री आकर हमारे से कपड़ा ले जाएंगे या और बाकी सामान लेंगे। हाँ। मंदी है तो सबके लिए बराबर है, ना उसको कांग्रेस कम कर सकती है ना बीजेपी कम कर सकती है। मंदी है तो सबके लिए बराबर है, लेकिन एक बात खास इन्होंने कही कि जो जाट बेल्ट है वहाँ पर कांग्रेस का बोलबाला है और जीटी रोड पर भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। कहना चाहते हैं जी ये महंगाई बहुत बढ़ गई है, हम कहते हैं महंगाई को आप, हम गरीब आदमी कहाँ जाएं जी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा जी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, दो वर्ष की रोटी कहाँ से खाएगा जी। ये अमीर आदमी तो घर बैठे रहते हैं, इनको घर बैठा खाना मिल जाता है, हम जैसे मजदूर आदमी कैसे खाएं कमाएं, बताओ। सबसे बड़ी दिक्कत उन मजदूरों की है जो यहाँ पर या कहीं अन्य शहरों में हरियाणा के मजदूरी करते हैं या गरीब तबके के लिए, क्योंकि महंगाई की मार सबसे अधिक उनको झेलनी पड़ती है। क्या लगता है सर महंगाई बड़ा मुद्दा हो जाएगी? महंगाई तो है ही सबके लिए है, वो तो कोई सी सरकार आएगी महंगाई तो होनी होनी है, महंगाई होनी है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए सर, हरियाणा में लगता है 10 साल में विकास हुआ है? हाँ हुआ है, हुआ क्यों नहीं। तो उसके पहले की सरकार ने विकास नहीं किया था? उसने भी किया था जी, किया था। हुड्डा सरकार ने खूब काम किया था, खूब काम किया था। तो दोनों में बेहतर सरकार कौन सी? बेहतर तो बीजेपी भी ठीक है, बीजेपी भी अच्छी है।
बीजेपी अच्छी है? अच्छी है बिल्कुल। तो हवा क्या कह रही है इस बार चुनाव? बिल्कुल कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। आपके हिसाब से भैया बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। हाँ हाँ भैया बीजेपी आएगी। काम अच्छे करते हैं, काम अच्छे करते हैं। हुड्डा क्या प्रॉपर्टी डीलर है वो? तो भूपेंद्र हुड्डा सीएम थोड़ी था हरियाणा का, प्रॉपर्टी डीलर था वो। तो क्यों भैया प्रॉपर्टी डीलर था? अपने आदमी हो गए, गरीब आदमी हो गए, जमीन हड़प के अपने आदमी हो गए, 10-10 लाख में खरीदवाता था, बाद में 2-2 करोड़ की बेचता था। प्रॉपर्टी डीलर है भूपेंद्र हुड्डा। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। लोग तो कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के समय बड़ा काम हुआ था। ना ना कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा नहीं बनेगा सीएम, हरियाणा में बीजेपी की सरकार आएगी 200%। अब की बार तीसरी बार? तीसरी बार। ये सरकार जिसकी भी आए, हमने देखो मेहनत करके खाना है जी, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, हमने काम करके खाना है जी। कोई हमारे घर में नोट नहीं डाल के जाएगा जी, सीधी सी बात है। मुद्दा इस बात का है जी, मुद्दा इस बात का है। क्या लग रहा सर, महंगाई से लोग परेशान है? तो और भी मार्केट में आगे की ओर बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हुए चलेंगे। आप देख सकते हैं मार्केट के दोनों तरफ लोगों की दुकानें हैं और लोग जो हैं वो तरह तरह की प्रतिक्रिया क्रिया दे रहे हैं। नमस्कार बाबू जी, क्या हाल चाल? ठीक है साहब, ठीक है। चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? दोनों का जोर रहेगा, दोनों का जोर है। हाँ जी, कोई आगे पीछे नहीं? आगे पीछे देखो दोनों का जोर चल रहा है अभी तो, आगे का पता नहीं है जी। आगे का पता नहीं। हाँ जी सर, वैसे लगता क्या है सरकार तक कौन पहुंच पाएगा? बीजेपी कांग्रेस, कौन बेहतर सरकार? कांग्रेस पहुंचेगा, कांग्रेस पहुंचेगी। हाँ जी, देखिए कांग्रेस पहुंचेगी, जनता है और हर एक व्यक्ति से संवाद करना ही हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि संवाद से ही बातें निकलती हैं और बातें आती हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है सर आप? मेरा नाम लव है सर। लव जी, कैसा चल रहा है धंधा? ठीक चल रहा है सर। ठीक चल रहा है। हाँ जी, चुनाव भी चल रहे हैं, क्या लग रहा है सर इस बार चुनाव? देखो क्या हुआ, दोनों पार्टियां सॉलिड है। सॉलिड है। हाँ जी। वैसे सर सरकार में बेहतर अगर देखें 10 साल कांग्रेस के 10 साल भाजपा के, दोनों 10 सालों में अंतर करिएगा तो बेहतर काम किसने? देखो उन्होंने अपने तरीके के काम करे, उन्होंने अपने तरीके के काम करे, दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। व्यापारियों के लिए कौन सी सरकार बेहतर रही? हमारे लिए तो दोनों ही ठीक थी सर। दोनों ही ठीक थी जी। देखिए इनके लिए दोनों ही ठीक थी सरकारें और काम किया है, ये बात लोग कह रहे हैं कि दोनों सरकारों ने काम किया है। आप यहाँ कपड़ों की दुकानें देख सकते हैं, लोगों से बातचीत करते हुए चल रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? माधव पांडे। माधव जी, यहाँ के तो नहीं हैं आप? मैं गोंडा यूपी से हूँ। गोंडा यूपी? हाँ, लेकिन 30 साल से यहीं रहता हूँ। 30 साल से यहीं रहते हैं, तो आपने तो दोनों सरकारों को खूब देखा होगा। हाँ जी, आल हरियाणा में भ्रमण करता हूँ, दोनों सरकारों को देख रखा हूँ। क्या लग रहा है इस बार किसकी हवा है? बीजेपी आएगी फिर। बीजेपी आएगी? कुछ काम किया बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत काम किया, हरियाणा के चारों तरफ विकास ही विकास है। वन बाउंड्री, जहाँ होटल पलवल यहाँ फिर रोहतक फिर जाया करते थे, 3-3 घंटे में 4-4 घंटे में पहुँचते थे, 2 घंटे में पहुँच जाते हैं लोग। अम्बाला फिर चंडीगढ़ ये जो जाया करते थे, 4-4 घंटा अम्बाला लग जाता था, 2 घंटे में अम्बाला पहुँच जाते हैं। इतनी बढ़िया काम किया, चारों तरफ रोड का विकास किया है बीजेपी सरकार ने। बीजेपी सरकार ने, इसलिए सरकार यही चाहिए। हाँ जी, सरकार यही ठीक है। तो देखिए यहाँ दुकान में और भी लोग हैं। नमस्कार, क्या हाल चाल? मस्त हैं सर? ये बताइए चुनाव चल रहा है इस बार, क्या लगता है चुनाव में कौन बाजी मार ले जाएगा? भाई लहर तो कांग्रेस की है, बाकी भगवान जाने। भगवान जाने। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों में, दोनों आपने देखी हैं, अंतर क्या है? अंतर में भाई जो स्टेट लेवल के हिसाब से तो कांग्रेस बढ़िया है। अच्छा। और नेशनल लेवल पर मोदी बढ़िया है। नेशनल लेवल पर मोदी बढ़िया, उसका मुकाबला ही नहीं। कोई मुकाबला नहीं? ना। क्या बात कर रहे हैं सर? मोदी जी तो कह रहे हैं हरियाणा में तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। बना को नहीं, मोदी के कहने से बना को नहीं, मोदी से 15 बार याद है, जब भी नहीं बना। तब भी नहीं बना? नहीं बना। लेकिन सेंट्रल में मोदी को ही चुनेंगे 100%। सर आपका क्या कहना है? ठीक है, मोदी सरकार ठीक है। मोदी सरकार ठीक है, और स्टेट में किसकी सरकार ठीक है? हरियाणा से इसकी। हरियाणा राज्य में किसकी सरकार चाहिए, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस की। देखिए केंद्र में मोदी चाहिए, लेकिन मुझे इससे एक याद आ रहा है, राजस्थान में एक बार नारा लग गया था, मोदी तुझसे बैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं। शायद ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ नारा लग सकता है। तो इस तरह से ये मार्केट जो है, अगर आप देखिए तो पूरी मार्केट में लोगों से बातचीत का सिलसिला लगातार चल रहा है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बातचीत से बहुत कुछ राय शुमारी से चीज़ें मालूम चलती हैं कि आखिर मार्केट का मिजाज क्या है, लोगों का मिजाज क्या है, जनता क्या सोच रही है।
क्योंकि रोहतक एक ऐसी सीट है जो कि व्यावसायिक सीट कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर लोग धंधा करने के लिए आते हैं, व्यापार करने के लिए आते हैं और व्यापारियों की ये सीट है। ऐसे में इस सीट का मिजाज जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है रोहतक का मिजाज इसी से मालूम चलेगा। क्या व्यापारी खुश हैं, आम लोग खुश हैं, क्या मजदूर खुश हैं, चूँकि ये सबसे बड़ी मार्केट है तो जाहिर सी बात है बहुत से प्रवासी मजदूर भी यहाँ पहुँचते हैं। थोक के मार्केट है ये सर? हाँ जी, थोक के मार्केट। अच्छा सर, चुनाव चल रहे हैं हरियाणा में, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव? कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार आएगी। अच्छा, व्यापारियों के लिए कौन सी सरकार बेहतर थी सर? कांग्रेस की। कांग्रेस की, तो कांग्रेस की सरकार को इसीलिए चुनना चाह रहे हैं? उम्मीद तो यही है कि कांग्रेस की सरकार ही आएगी। कांग्रेस सरकार आएगी। तो देखिए, उम्मीद है लोगों को कि सत्ता में परिवर्तन की लहर दिखाई देगी। परिवर्तन शाश्वत है, परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन किस तरह से होता है। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? सौरभ गुलाटी। सौरभ जी, चुनाव चल रहे हैं हरियाणा में। हाँ जी। और आपकी ये सीट बड़ी हॉट बनी हुई है, कभी भाजपा की होती है, कभी कांग्रेस की होती है। बिल्कुल सर। और सबसे अधिक व्यापार इसी सीट पर है। हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार, क्या मिजाज है? देखो जी, मिजाज तो दोनों का ही बना हुआ है। असल में क्या है कि कांग्रेस के टाइम पे काम, अब इस वक्त काम रुके हुए हैं शहर के। अच्छा। अब काम होएंगे तो ही वोट मिलेंगे। काम रुके पड़े हैं सारे शहर के अंदर, कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा। अब शुरू स्टार्ट किए हैं काम, थोड़े बहुत काम स्टार्ट किए हैं, तो काम जनता काम देखती है। जनता काम देखेगी उसी को वोट देगी। जनता को काम दिखा, जनता ने अपना मूड बना लिया होगा सबके लिए कि क्या मूड बना हुआ है। अंदर खाते सबको पता है वोट किसके आने हैं। जहाँ पे जो भी हो रहा है, बीच कांग्रेस पूरा प्रचार में जोर लगा रही है, लेकिन बीजेपी का प्रचार नहीं हो पा रहा है। बीजेपी का प्रचार कांग्रेस शहर के अंदर नहीं है इस वक्त। अगर बीजेपी प्रचार करेगी तो अपनी जगह बना लेगी, नहीं करेगी, नई लोगों के साथ जनसंपर्क अभियान में नहीं मिल पाएगी, तो शायद वो रह जाएगी इस बार। ऐसा भी हो सकता है। मूड दोनों की तरफ से है, बीजेपी का भी है और कांग्रेस का भी है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर, दोनों सरकारों में बेहतर सरकार ने कौन सी थी? कांग्रेस 10 साल, 10 साल भाजपा। देखिए, कांग्रेस सरकार का बात यह है कि ये सीएम सिटी था, तो सीएम सिटी में काम हमेशा ज़्यादा होते हैं, वैसे नॉर्मली ही ज़्यादा होते हैं। तो हम ये कहें कि बीजेपी ने अपनी तरफ से अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं है काम नहीं करी है, लेकिन सीएम सिटी होने की वजह से कांग्रेस के टाइम पे भी बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ। कांग्रेस के टाइम पे बहुत अच्छा काम हुआ है। कौन जाएगा? कांग्रेस। कांग्रेस। कांग्रेस आएगी? हाँ। क्यों कांग्रेस आएगी? अरे, यहाँ पर हल्ला कांग्रेस का हो रहा है। हल्ला कांग्रेस का हो रहा है? हाँ। देखिए, हल्ला कांग्रेस का हो रहा है इनका कहना है। लेकिन सर नमस्कार, यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। क्या नाम है सर आप? आकाश। आकाश जी। हाँ जी। चुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में अपना बीजेपी। बीजेपी। हाँ जी, जिसको सनातन धर्म चाहिए उसको बीजेपी चाहिए। जिसको सनातन धर्म चाहिए, सनातन पर पड़ेगा वोट हरियाणा में? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, एकदम पड़ेगा, पहले एकदम पड़ेगा। लोग कह रहे हैं काम नहीं हुआ बीजेपी में, लोग परेशान हैं। अगर मेरे को, मैं अपने दिल से बता रहा हूँ, अगर मेरे को चाहिए कि मुसलमान हमारे ऊपर हैवी होए तो मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन मेरे को वो चाहिए नहीं तो मैं बीजेपी को दूंगा। तो हिंदू मुस्लिम फैक्टर होगा? बिल्कुल होगा। आपको क्या लगता है? बीजेपी है जी। बीजेपी? हाँ जी। काम किया? बिल्कुल, जो किया है तो बढ़िया ही किया है, जो करेगी वो अच्छा। वो किसी ने किया ही नहीं है। आप किसी का भी रिकॉर्ड उठा के देखो, बीजेपी का रिकॉर्ड अलग दिखेगा। हमारे भाई ये भारतीय जनता पार्टी, भारत की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ध्यान से सुनिए। और ये भी कहना है कि बीजेपी ही चाहिए, बीजेपी ही चाहिए, सनातन धर्म चाहिए, सनातन धर्म चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे, उनकी राय शुमारी ये सब कुछ न्यूज़ इंडिया पर लगातार जारी है। और ये मार्केट जो है, चूँकि रविवार का दिन है तो मार्केट अभी पूरी तरह से खुली नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि सरकार सत्ता के गलियारों तक पहुँचती है, और जिन जरियों से पहुँचती है वो जरिए क्या होंगे, क्या होगा इस बार हरियाणा में। नमस्कार बाबू जी, क्या हाल चाल? मस्त, काम अच्छा चल रहा है? बढ़िया। सर, चुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव? कांग्रेस का जोर है। कांग्रेस का जोर है। आपको सर? लगे तो यही भाई, 50-50। हाँ, 50-50 है। हाँ, 50-50। अच्छा ये बताइए, 10 साल आप दोनों लोगों ने देखा होगा कांग्रेस का भी, और ये तो सीएम सिटी है, और 10 साल आपने बीजेपी का भी देखा, दोनों 10 सालों में अंतर करें तो कौन सी सरकार बेहतर है? ये अंतर है भाई, हम व्यापारी लोग हैं, कमा के खाना पड़ेगा हमने, बस कोई सरकार आ जाओ, सरकार आ जाए। व्यापारियों के लिए तमाम रिलैक्सेशन होते हैं, तमाम सरकारें करती हैं, तो इन दोनों में से कौन सी सरकार बेहतर? अरे कोई नहीं, सब ने व्यापारी ने तो कमा के खाना पड़ेगा, बस कमा के ही खाना पड़ेगा।
कामकाज के लिहाज से कौन सी सरकार बेहतर है? हमारे लिए भाई साहब दोनों बराबर है, हमने तो मेहनत करनी है। देखिए भैया बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने, मेहनत करनी है और मेहनत करके ही काम करना है। देखिए ये एक सबसे बड़ी कमी भी है इस देश की, महिलाएं खुल के नहीं बोलती हैं लेकिन बोलती ज़रूर हैं। ऐसे में सफ़र लगातार इसी तरह से जारी रहता है। ये मार्केट है और मार्केट का कुछ अलग ही अंदाज है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है और लगातार चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा लोगों को लोक लुभावने वादे कर अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही है। हरियाणा के कई सारे शहरों में व्यवसायिक काम होते हैं और जिन कामों के लिए दूर दराज से और कई अन्य राज्यों से प्रवासी भी यहां पर पहुंचते हैं। ऐसे में न्यूज़ इंडिया की टीम एक प्रवासियों की कॉलोनी में भी पहुँची है जहाँ पर यहाँ रोहतक की कई सारी मार्केट में, चूँकि मैं रोहतक में इस वक्त मौजूद हूँ, ये लोग काम करते हैं, यहाँ पर रह रहे हैं और रहते हुए इन्हें 30 से 35 साल का वक्त हो चुका है। हरियाणा में हरियाणा के वोटर भी हैं तो जानते हैं क्या कहता है इनका मिजाज, किस तरफ जाएंगे ये। तो सबसे पहले इन लोगों से बातचीत करेंगे, बातचीत की शुरुआत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? ललू। कहाँ के रहने वाले हैं? गोंडा जिला। गोंडा के। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ से करीब यहाँ रोहतक में तो रही थे 40-40 साल है। 40 साल से। वोट देते हैं? वोट देते हैं। हाँ वोट दे थे। किसको इस बार देने का मन बनाया है? बीजेपी को। हाँ क्यों भैया, कुछ काम किया बीजेपी? हाँ करे है, जो कुछ करे कुछ तो थोड़ा बहुत करे है। उसके पहले हुड्डा की सरकार भी देखी थी? हाँ हुड्डा की थी। हाँ। हुड्डा ने भी काम करा। मैं राम भगत हूँ जी। राम भगत? हाँ जी। राम के नाम पे वोट मिलेगा? हाँ राम के नाम। आपको क्या लगता है? हम भी भाजपा के हैं। भाजपा के हैं? हाँ। काम क्या है? काम तो कुछ नहीं कर रही है, बिल्कुल गली सड़ी हुई गली में रह रहे हैं। लेटरिंग इतनी बह रही है कि रहना मुश्किल हो रहा है, सब बच्चे बीमार। गली की हालत जरा दिखाऊंगा कैमरे से, जरा दिखाइए किस तरह से ये गली है। बीमार पड़े हैं यहाँ सबके सब बीमार। कोई हाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और फोन करो उनको, टाइम नहीं है। ठेकेदार के पास फोन करो, फट्टी मार के चले जाते हैं, कचड़ा निकालते नहीं है। सीवर लगा तब से आज तक कोई कचड़ा नहीं निकाला गया, पानी नहीं निकलता। छह इंची पाइप लगी हुई है। छह इंची पाइप लगी हुई है तो हाँ जी बड़ी समस्या है। फिर भी आप कह रहे हैं भाजपा को वोट देंगे? भाई बात सुनो, राम के नाम पे हम देंगे, कुत्ते को भी दे देंगे। देखिए राम के नाम पे किसी को भी वोट दे देंगे लेकिन समस्याएं जस की तस हैं। क्या लग रहा है समस्याओं का कोई सुधार नहीं हुआ है? कोई सुधार नहीं हो रहा है, कम से कम कोई सुधार नहीं है सर, कोई सुधार नहीं है। लेकिन हमारी यही मजबूरी के हम सनातनी हैं और हम बीजेपी को ही वोट देंगे चाहे जो हो जाए। सुधार नहीं है लेकिन बीजेपी को ही वोट देंगे। हमारा कुछ नहीं होता है, कितना भी कर लें, लेकिन देश हित में जो देश के लिए हो रहा है, देश के लिए हमारे। आपका तो कोई विकास ही नहीं हुआ अब? नहीं हमारा नहीं हुआ लेकिन देश का तो हो रहा है। देश का हो रहा है। कितनी संख्या यहाँ पे होगी प्रवासी मजदूर? कम से कम यहाँ पे 1500 की संख्या हमारी। 1500 की संख्या केवल यहीं पर है। और अगर पूरे रोहतक की संख्या करिए तो तकरीबन 1,00,000 से ज्यादा प्रवासी भी हैं। और ऐसे में उसमें 50,000 ऐसे प्रवासी हैं जो आपके मतदाता भी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है उन प्रवासियों के लिए क्या कुछ हो रहा है। क्या नाम भैया? सरजू प्रसाद। कितने साल से यहाँ पे हैं? 35 साल से। 35 साल से यहीं हैं। वोट वोट देते हैं? हाँ वोट देते हैं भाजपा को। क्या है? भाजपा को देते हैं भाई। भाजपा को देते हैं? हाँ भाजपा को देते हैं। राम नाम पे। राम नाम पे। हाँ जी। आप? हम भी कितने साल हो गया यहाँ? 42 साल हो गए। 42 साल हो गया। हाँ जी। तो आपने हुड्डा की सरकार भी देखी थी? हुड्डा की सरकार भी देखी थी हमने, और चौटाला भी सरकार देखी थी हमने। चौटाला भी देखा। हाँ। और भाजपा भी देखा? भाजपा भी देखा। सबसे अच्छी सरकार कौन सी लगी? अच्छी हो चाहे बुरी हो, हमें ना चौटाला कुछ देगा ना हुड्डा देगा कुछ। जो कुछ है सो अपने ऊपर है। कहाँ के रहने वाले हैं? गोंडा के। गोंडा के रहने वाले? हाँ जी। मेहनत करके खाने वाले हैं। हाँ। कोई दान देता नहीं। अच्छा अच्छा। ये जितने ये जो ये प्रवासी आप लोग जितने हैं, ये जितना भाजपा तो रहा है, ये सड़ा पिड़ा सब गमे, इतने संग आके जान लाग रे, भाजपा से काम करवाओ। ये 10 वोट है, बाकी जाने से सारी भूपेंद्र हुड्डा की, ठीक है? हाँ भूपेंद्र की, भूपेंद्र हुड्डा की सारी वोट हुड्डा की है। हाँ हुड्डा ने काम किया? हाँ हुड्डा ने काम कराया जी, 10 साल कती टॉप करो तक में किसी ने कराया ही नहीं था। हाँ विकास तो हुड्डा ने किया, जो किया रोहतक का हुड्डा ने किया। हाँ भाजपा का 10 साल और हुड्डा के 10 साल दोनों में अंतर? जमीन आसमान का अंतर है। इन्होंने तो कुछ कराया ही नहीं, कुछ नहीं किया। इन्होंने तो सिर्फ लड़ाई करवाई, बस वही राम के नाम के बात है जी। राम के नाम पे
बीजेपी ने तो मारा पीने का पानी भी खोस लिया, पूरी कॉलोनी के अंदर पानी, मारा पानी भी नाम था। हाँ, आपके सामने सीवर देखो, सीवर देखो गंदा, इतना गंदा कि बस बच्चे भी बीमार है, बड़े भी बीमार है। हमारा कमाई तो है नहीं, लेकिन मेडिकल में जरूर जा रही है। इतना कमाई नहीं है, मेडिकल में जरूर जा रही है। देखिए, अगर आप गांव की गलियों में और महफिलों से निकल कर यहाँ पहुँचिए तो आवाज़ यहाँ पर यह है कि काम नहीं हुआ है ग्राउंड पर। अच्छा, उसके पहले जब 10 साल पहले हुड्डा की सरकार थी, काम होता था? होता था, होता था, पानी भी आता था, पानी खुला चला था, पानी भी आता था। अरे भाई, खुला चला था पानी, जब तीन टाइम पानी आया करता उस टाइम पे, और अब नहीं आता पानी। अभी तो पूरी गर्मी पानी आया ही नहीं, सारी रात तक दिन पैरा दे पानी तो दूसरे जगह। हाँ जी, हेड पंप चला रहे हैं, पानी तो हम लोग नहर भर से भर के लाते हैं, पीने लायक आता ही नहीं तो क्या करेंगे। वहाँ से पानी लाते हैं, पानी भर के हम रोहतक में जो काम किया हुड्डा ने किया, हुड्डा ऐसा कोई काम कर नहीं सकता। इसमें कोई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, काम किया, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया, बहुत काम किया है हुड्डा ने, रोहतक में काम उसने किया है। लेकिन हमारी मजबूरी एक है कि हम कांग्रेस को वोट नहीं देते। सीधी बात है, गली भी बनवा ले, उन्होंने हुड्डा साहब ने बनवाया था गली, गली को। हाँ, हुड्डा साहब ने बनवाया था सीवर। हम तो भाजपा को देंगे, भाजपा देंगे, काम तो किया नहीं है, लोग कह रहे हैं किया चाहे नहीं किया, लेकिन हम भगवान के नाम, राम के नाम भाजपा को देंगे, राम के नाम पर। तो देखिए यहाँ पर जब खागा कोई खंड बोरी ना गेर का चार, कम से कम 52-53 सीट, कम से कम 55-56 में से को जियो 52-53। हाँ, कुत्ती, बिल्कुल। रोहतक में तो मतलब ऐसा काम है, भाजपा वाले कर रहे हैं, हुड्डा ने तो घोटाले भी खूब किए, कुछ घोटाला नहीं करा, काम करे हैं, सारा सारे करे घोटाले, कोई कसम रोड़ी सब लावा, तू भी लाना रहा हो घर। अजय चौटाला कर रहे हैं, हुड्डा तो बिल्कुल चौटाला ने भी काम करे थे, चौटाला कर रहे हैं, हुड्डा तो नहीं आएगा। हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, चौटाला ने कहा 55-56 सीट आएंगी। अरे जो लेने वाले वो यू कहने लग रहे, आओगा तो आओगा, या कौन कह के नहीं आएगा। चौटाला कहते हैं कि हुड्डा के समय में काम के जगह खर्ची पर्ची पर काम हो रहे थे। खर्ची पर्ची तो उनके में भी हो रहे थे, सबके में हो है, सबके में हो। हाँ, ये भी नहीं हो रहे खर्ची पर्ची, इनके में भी होते हैं, इनके में भी हो है। देखिए, इनके में भी खर्ची पर्ची पे काम होता, आरोप लगाना अलग का विषय है, लेकिन हकीकत अलग है। और हकीकत ये कह रही है, मैं जिस कॉलोनी में खड़ा हूँ उसमें प्रवासी भी रहते हैं और तमाम रोहतक के लोग भी रहते हैं, और ऐसे में उस कॉलोनी का अगर पूरा हाल आप देखिए तो हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से पैन करते हुए आकाश इसको दिखाइए कि इस गली का क्या हाल है। सीवरेज लगातार इस गली में उफान पर है, अगर बारिश हो जाए तो इस गली से निकलना मुश्किल है। और ऐसे में आप देखिए, एक तरफ ये छोटे छोटे बच्चे, परिवार, ये सब कुछ यहाँ पर है। अगर किसी को दवा की ज़रूरत है, उसे तकलीफ होती है, आगे और देखो जाके क्या हाल है इस गली, तो इस गली में अगर आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो आगे भी इस गली में हाल जो है वो कमोबेश कुछ ऐसा ही है। आप देखिए, इस तरफ से यहीं से ही आप देख सकते हैं, पूरी पूरी रोड जो है वो पूरी रोड आप देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है। और तमाम महिलाएं हैं जो उधर से जब हम यहाँ पहुंचे तो हमसे बात करने के लिए पहुंची हैं। माता जी, 2 मिनट आपसे बात कर लें। क्या लगता है यहाँ पर कोई वोट के टाइम पर लोग आते हैं या वोट के बाद भी लोग आते हैं? उसके बाद में कोई बुजन नहीं आता भाई, अरे कुण मर हर कुण जीव हर, कोई नहीं आता वोट के टाइम पे, ना कोई नहीं वोट का टाइम पे, कोई नहीं देते। अब तो हाथ भी जोड़ दिए, पैर भी पकड़ लेंगे, सिर भी पकड़ लेंगे, हमारा सब कुछ पकड़ लेंगे, उसके बाद हमें दिखाई नहीं देते, हमें पता ही नहीं चलता। आप लोग शिकायत करने कहीं गए? बहुत बार गए, बहुत बार पानी के लिए गए, सीवर के लिए, या मंत्री जो आते जिस तरह गिरोह वगैरह आए थे तो कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, यहाँ पर शिकायत करने कई दफे गए लोग, कई बार गए, चुनाव आए हैं तो विधायक भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, सांसद भी आते हैं, और उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता है, जनता पूछती है सवाल, और जब सवाल पूछती है जनता तो जवाब भी चाहती है, क्योंकि उसने आपको वोट दिया है और वोट की वो ताकत है। और यही वजह है कि वोट की ताकत हर 5 साल में जनता के पास आती है और जनता अपनी सरकार चुनती है। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन आकाश के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, रोहतक।